चंपावत जिले में अपनी मांगों को लेकर ग्राम प्रधान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी को लेकर 300 से अधिक ग्राम प्रधान सोमवार को जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां डीएम की उपस्थिति में जिला पंचायती राज अधिकारी को अपना सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया। साथ ही जिला मुख्यालय पर जमकर प्रदर्शन भी किया। प्रदेश ग्राम प्रधान संगठन के आह्वान पर तीन हमारी मुख्य मांगे थी। एक मांग थी हमारी राज्य वित्त कटौती जो राज्य सरकार द्वारा की गई है 65% तक, उसको वापस लिया जाए। और दूसरी मांग है हमारी प्रधानों का मानदेय जो कि सम्मानजनक 5,000 किया जाए। और तीसरी मांग है कि पंचायत का जो पंचायती राज एक्ट है उसे प्रभावी रूप से लागू किया जाए। आपको बता दें कि ग्राम प्रधान पिछले कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है। यही वजह है कि ग्राम प्रधानों ने एक साथ सामूहिक इस्तीफा दिया है। पंजाब के सीटीवी के लिए चंपावत से हरीश पांडे की रिपोर्ट।